सर पूरे दिन हम एनर्जेटिक कैसे रहें, और एनर्जेटिक भी रहें और साथ में उनको जो है थकान भी ना हो, पूरे दिन अपनी जो कार्य क्षमता है उसको अच्छा कैसे बढ़ा सकते हैं, किसी खाने के माध्यम से या फिर किसी भी और प्रकार की जो एक्टिविटी करके हम क्या क्या उसमें मदद ले सकते हैं किसी प्रकार। तो सबसे खास बात ये देख कि आजकल मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे, यानी कि लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर रहे फिर भी थकान हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो आप फिर भी थकान है, हाँ सर, बैठे बैठे पूरे बैठे दिन। बैठे ही। अब इसका पता है क्या है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो ना, उसकी वजह से थकान है। हाँ, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और दूसरी चीज है ना, वो ये है कि बॉडी में टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना या बॉडी में इन्फ्लामेशन का बढ़ना, सूजन का बढ़ना। अब तू देख, जितने भी लाइफ स्टाइल वाली प्रॉब्लम है ना, जितने भी लाइफ स्टाइल वाली डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, जितनी भी इन्फ्लामेशन वाली डिजीजेज है, उनके अंदर, सबके अंदर है ना, ये लाइफ स्टाइल वाली डिजीज में है ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि इन्फ्लामेशन बॉडी में इतनी हो गई है कि है ना, बॉडी को एनर्जेटिक ही नहीं हो पा रही बॉडी। आप डिप्रेसिव स्टेट में जा रहे हो। और टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए जो दूसरी चीज कर सकते हैं ना, वो ये है कि बॉडी को डिटॉक्स करना, उसके लिए फास्टिंग करना। पहले इतनी सारी फास्टिंग की जाती थी अलग अलग तरीके से, अभी भी ट्रेंडिंग में है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। पहले कितने टाइप के व्रत होते थे, कितने व्रत करते थे या फास्टिंग करते थे, अभी फास्टिंग हमने बिल्कुल छोड़ दी। तो फास्टिंग, अच्छी डाइट और अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, अगर ये करोगे ना तो बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, अपनी गट पूरी क्लीन होगी और अपन क्या रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। और वो जो थकान महसूस होगी वो नहीं होगी, क्योंकि थकान के पीछे एक रीजन ये भी होता है कि बॉडी के अंदर अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, छोटे छोटे पोषक तत्व, जैसे किसी को आयरन की कमी है, किसी को जिंक की कमी है, किसी को कॉपर की कमी है, अलग अलग जो छोटे छोटे पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनकी कमी है, उसकी वजह से भी है ना एनर्जी कम रहती है। तो डाइट के अंदर कच्ची सलाद यूज कर सकते हैं, जो कच्ची सलाद नहीं खा सकता उसको थोड़ा सा स्टीम कर लो, स्टीम नहीं खा सकते तो उसको थोड़ा बॉयल कर लो, बॉयल करके खा लो। लेकिन ऐसे होल फूड्स जो प्रकृति हमें डायरेक्ट दे रही है वो खाना अपने को जरूर खाना है, उस खाने को डाइट में जरूर ऐड करना है। लिविंग फूड, ना कि डेड फूड जो मार्केट में मिलता है। और ज्यादातर तो जब से बाहर से खाना मंगाने लगे हैं या बाहर से खाना आने लगा है, यानी कि किसी को अगर कोई डिजीज है, वो तो बात मानने में आती है कि उसको तो उस डिजीज की वजह से कॉम्प्लिकेशन है और कोई प्रॉब्लम है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, फिर भी उसकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं है, फिर भी वो ऐसे पड़ा हुआ है कि अब करें क्या। बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए मूवमेंट करना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी जरूरी है, क्योंकि जब तक एक्टिविटी नहीं करोगे ना, तब तक ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा नहीं होगा। और जो न्यूट्रिएंट्स जो अपनी सेल्स को चाहिए, जिस ऑर्गन को जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो मिलेगा ही नहीं। अब मिलेगा ही नहीं तो एनर्जेटिक कैसे रहेंगे। ये सारी चीजें ध्यान रखने की है। इसके साथ में अपन ब्रेन को भी रिलैक्स रखने के लिए सुबह सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये सारी चीजें, यानी कि योगा को डेली रूटीन में फॉलो करना, सूर्य नमस्कार करना, सुबह सुबह उठते ही कुछ टाइम के लिए अगर फिजिकल एक्टिविटी कर ली ना, सूर्य नमस्कार कर लिया, कुछ योगाभ्यास कर लिए, कुछ आसन कर लिए, कुछ ध्यान कर लिया, या थोड़ी बहुत पुशअप मार लिए, स्क्वाट्स कर लिए, ये चीजें कर ली ना, उसी में आपकी बॉडी पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहेगी। बस इतना सा करना है, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर।